नमस्कार, पवन शर्मा के साथ खबर एक्सपर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप। खबर एदमातपुर से है, जहां विद्युत कटौती और बिजली की समस्याओं को लेकर सपा नेता दिनेश यादव ने एक्सजीएन एदमातपुर को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ पहुंचे सपा नेता ने एक्सजीएन से वार्ता कर समस्याओं को जल्द निपटाने की बात कही। एक्सजीएन साहब का जो ऑफिस है एदमातपुर पे, इस पर मुख्य रूप से दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो समस्या ये है कि किसानों को जो 10 घंटे देने का बिजली का जो आदेश हुआ है, इस 10 घंटे से किसानों की काम नहीं चल रहा है, क्योंकि 10 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही है। तो एक तो ये बड़ी समस्या है किसानों के लिए कि इस बिजली को 10 घंटे से बढ़ा करके 15-16 घंटे किया जाए। दूसरी बड़ी समस्या है कि बिजली की रात में बहुत कटौती हो रही है, और ये कटौती इसलिए दिक्कत खड़ी कर रही है कि चूँकि अब बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की, जहाँ रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे बिजली कट जाती है, सुबह तक आती नहीं है, और वही समय होता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। तो मुख्य जो समस्या है वो दो समस्या को लेकर के यहाँ पर एक्सजीएन साहब को ज्ञापन दिया गया है कि रात की कटौती बिल्कुल मुक्त कर दो। ज़्यादा नहीं कर पाए तो आप कम से कम 26 जनवरी से लेकर के और जब तक बोर्ड की परीक्षा चलें तब तक जो है आप इसको कटौती मुक्त कर दो हमारी तहसील एदमापुर को। इसके अलावा क्षेत्र की तमाम समस्या हैं, जैसे कि तमाम गाँव ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँची है, खंभे लग गए, तार लग गए, ट्रांसफार्मर लग गए, लेकिन बिजली चालू नहीं हुई और बिल जो आना शुरू हो गए। इस तरह की छोटी मोटी तमाम समस्याओं को लेकर के आज यहाँ एक्सजीएन साहब को ज्ञापन दिया गया है, और इसमें हमने जो है समय दे दिया है 8 फरवरी तक का, कि इन समस्याओं का समाधान 8 फरवरी तक करें, और 8 फरवरी तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 10 फरवरी को यहीं पर इसी कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। एक बात समझाइए मुझे सर, किसानों को 10 घंटे बिजली देने की बात हुई है, तो एक्सजीएन साहब कह रहे हैं कि 18 घंटे गाँव में बिजली मिल जाएगी, तो ये कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 10 घंटे भी गाँव वालों को भी मिल रही है, 18 घंटे किसानों को भी मिल रही है? देखिए, किसानों को तो केवल 10 घंटा बिजली देने का फरमान है, 24 घंटे में 10 घंटे। अब वो रात में बंद कर देते हैं, ट्यूबवेल रात में बंद कर देते हैं, ट्यूबवेल की जो बिजली है वो रात में नहीं चलती है, वो दिन में चलती है। और जो 18 घंटा बिजली देने का जो दिन में जो वायदा है, मुझे लगता है पूरा नहीं हो रहा है। ये तो आदेश है 18 घंटे का, 18 घंटा पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या 10 घंटे से काम चल जाएगा किसान का? हमें तो जो बिजली पूर्व में मिल रही थी, चाहे वो 16 घंटे मिल रही थी, लेकिन वो किसानों को भी मिल रही थी और ग्रामीणों को मिल रही थी। लेकिन अब पता नहीं कैसे आदेश कर दिया कि 10 घंटे बिजली से काम चलेगा। अब ये व्यवस्था है सरकार की, ये तो सरकार जाने, क्योंकि सरकार पर न खेती न सरकार पर बच्चे, न सरकार पर खेती न सरकार पर बच्चे, मेरा समझ गए ना, न आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर बच्चे, न आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर बच्चे। तो जिन पर बच्चे नहीं होते हैं वो तो समझ लो उनके तो हाल यही है, उनका क्या मतलब, वो क्या जाने खेती क्या है, बच्चे कैसे पलेंगे, क्या होगा, कहाँ ठंड पड़ रही है। बस एक ही नारा है दोनों का, अगर केंद्र में चलेगी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, और यूपी में आ जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा, गाय गोबर के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। पूरा देश ऐसा कर दिया है कि पूरा देश इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसा लड़ा जैसे लड़ाई हो रही है, क्या युद्ध जैसी स्थिति बना दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे प्राथमिक विद्यालय देख लो, चिकित्सा देख लो, क्या हाल हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया। तहसीलों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में रंगा हुआ है पूरा प्रांत, किसी का कोई ध्यान नहीं है। आवारा पशुओं ने किसानों का बिल्कुल जीना हराम कर दिया है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। शुरू में कह दी थी कि सबको रोजगार देंगे, तो दिन में अपने काम करो, रात में जो खेत पर अपनी चौकीदारी करो, वो रोजगार ही है लोगों को, 24 घंटे का रोजगार है, तो भगवान मालिक है इनका। तो यादव जी, किन समस्याओं को लेकर आज यहाँ कहाँ पहुँचे? आज क्षेत्र में जो अघोषित कटौती हो रही है, इस समस्या को लेकर के सपा नेता श्री दिनेश यादव जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने आज अभिशासी अभियंता एदमातपुर को ज्ञापन दिया है, जिसमें कई गांवों में अभी तक जर्जर लाइनें पड़ी हुई हैं उनको लेकर के, और जो रात में अघोषित कटौती हो रही है, बोर्ड की परीक्षाएँ बिल्कुल नज़दीक हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बहुत ही परेशानी हो रही है। कहीं कहीं किसी किसी फीटर पर तो 3 बजे काट देते हैं, सुबह 7 बजे लाइट आती है, क्योंकि ये टाइम सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, इसी टाइम में बच्चों के पढ़ने का समय होता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर क्या सपा नेता श्री दिनेश यादव जी ने ज्ञापन दिया। एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है, कहा है कि सारी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। की जो मुख्य समस्या उन्होंने बताई है कि बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं और शाम को उनको विद्युत की आवश्यकता रहेगी, और मैं इस संबंध में अपने अवर अभियंताओं और उपखंड अधिकारी को मीटिंग लेके इनको निर्देशित कर दूंगा कि उनके ये प्रयास रहे कि शाम को पढ़ाई के समय बच्चों को विद्युत मिल जाए। कई
इनकी सारी समस्याएं मैंने नोट कर ली है, कागज मेरे पास है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 15 दिन के अंदर इसका सारी समस्याओं का निस्तारण हो जाए।